फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और मंदी की आशंका के बीच शेयर बाजार में गुरुवार को हाहाकार मच गया। सुबह के सत्र में हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में बाद में बिकवाली हावी रही और यह गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और मंदी की आशंका के बीच शेयर बाजार में गुरुवार को हाहाकार मच गया। सुबह के सत्र में हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में बाद में बिकवाली हावी रही और यह गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई। कारोबार की शुरुआत पे 53,000 से ऊपर खुला सेंसेक्स कारोबारी सत्र के अंत में 52,000 से नीचे पहुंच गया। कारोबारी सत्र के अंत में 30 अंक वाला सेंसेक्स 1045.6 अंक टूटकर 51,495.79 पर बंद हुआ। वही 50 अंक वाला निफ्टी 331.55 पॉइंट टूटकर 15,360.60 अंक के स्तर पर आ गया। शेयर बाजार के रिकॉर्ड गिरावट से निवेशकों के गुरुवार को 5,00,000 करोड़ से भी ज्यादा डूब गए। पिछले 5 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 3,824.49 अंक की गिरावट आ चुकी है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।